दोस्तों, कांटे से ही कांटा निकालना चाहता है संघ। गुजरात लॉबी वर्सेस नागपुर लॉबी की लड़ाई अब खुलकर सामने आ गई है, क्योंकि मोदी जी को मात देने के लिए संघ ने ऐसे एक व्यक्ति को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की पेशकश कर दी है जो मोदी के लिए आफत है। जी हाँ, पॉलिटिकल करियर में मोदी ने अपने ही पार्टी के भीतर, बीजेपी के भीतर, संघ के भीतर कई नेताओं से दुश्मनी मोड़ ली थी। अब मोदी जी के ऐसे ही एक दुश्मन को, जिन्हें कभी किसी समय पर मोदी जी ने साइडलाइन कर दिया था, लात मारा था, आज चुनौती बनकर वो व्यक्ति मोदी जी के आगे खड़े नजर आएंगे बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर। ये चाल किसी और ने नहीं बल्कि खुद आरएसएस ने चली है। उस व्यक्ति का नाम है संजय जोशी, नागपुर लॉबी की वन ऑफ दी टॉप एंड फेवरेट लीडर। बताएंगे पूरा माजरा क्या है, किस तरह से संजय जोशी मोदी जी के लिए चुनौती बनेंगे, चुनौती बन नहीं सकते, चुनौती बने हुए हैं। और पुरानी हिस्ट्री पर जाए तो मोदी और संजय जोशी के बीच किस तरह की दुश्मनी रही, किस तरह से मोदी जी ने, कहा जाता है कि उन्हें बदनाम करने की कोशिश की थी, एक फर्जी सीडी कांड में किस तरह से संजय जोशी को बदनाम करने की कोशिश मोदी ने की थी और बाद में वो सीडी कांड फर्जी निकला था, बताएंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, नितिन गडकरी ने चुनावी नतीजे आने के कम से कम 3.5-4 महीने बाद इस बात का ऐलान किया कि उनके पास प्रधानमंत्री बनने का ऑफर था। विपक्ष ने उनका समर्थन करने का ऐलान किया था कि अगर नितिन गडकरी प्रधानमंत्री बनते हैं तो हम साथ देंगे। एक अच्छी अचानक घटना में नाव ने संगत खोला था, तो बोला कि इफ यू आर गोइंग टू बिकम ए प्राइम मिनिस्टर वी विल सपोर्ट यू। व्हाई यू शुड सपोर्ट मी एंड व्हाई आई शुड टेक योर सपोर्ट। टू बिकम ए प्राइम मिनिस्टर इज नॉट एम इन माई लाइफ। आई एम लॉयल टू माई कन्विक्शन एंड माई ऑर्गेनाइजेशन। आई एम नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज फॉर एनी पोस्ट बिकॉज माई कन्विक्शन ये मेरे लिए सर्वोपरि है। लेकिन इस बयान की टाइमिंग को लेकर के बातें चल रही हैं कि आखिर इस समय पर नरेंद्र मोदी के खिलाफ नितिन गडकरी का ये बयान कैसे सामने आया। जब नरेंद्र मोदी ने 100 दिन पूरे किए अपने कार्यकाल में, मोदी 3.0 का 100 दिन पूरा होने के बाद, उस मौके पर नितिन गडकरी ने ये बात साफ कर दिया कि मेरे पास प्रधानमंत्री बनने का ऑफर था लेकिन मैं अपने संगठन के प्रति जो है डेडिकेटेड हूँ। नितिन गडकरी कहाँ से आते हैं? नागपुर से। और जिस व्यक्ति के बारे में आज का ये वीडियो है कि भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर चर्चा चल रही है, संजय जोशी का नाम सामने आया है, वो संजय जोशी भी नागपुर से हैं। ऐसे में सोचिए, नागपुर से और कौन है, क्या है? जी हाँ, नागपुर में संघ का हेडक्वार्टर है, यानी मोहन भागवत, नितिन गडकरी और संजय जोशी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं क्योंकि आरएसएस का पूरा समर्थन है संजय जोशी के लिए। ऐसे में संघ पूरी तरीके से संगठन को, नागपुर पूरी तरीके से गुजरात लॉबी को उखाड़ फेंकने की कोशिश में है और साथ ही साथ नागपुर से अब बीजेपी चलने वाली है। ऐसे में संजय जोशी और नरेंद्र मोदी के बीच की लड़ाई, उन दोनों में फाइट क्या है? दरअसल दोस्तों, गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, गुजरात के जब वो मुख्यमंत्री थे तब नरेंद्र मोदी ने जिस संजय जोशी को भाजपा से किनारा लगवा दिया, माना जाता था कि संजय जोशी को बदनाम करने के लिए मोदी जी ने गुजरात में जोशी के खिलाफ एक कांड करवाया था, जिसके बाद संजय जोशी को बीजेपी से बाहर का रास्ता तक दिखाया गया था और अब उसी संजय जोशी को संघ भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहता है, यानी कांटे से ही कांटा निकालना चाहता है संघ, जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा। हालांकि मोदी और संजय जोशी के बीच फाइट भी कम पुरानी नहीं है, बहुत पुरानी है। दोनों के बीच तकरार जो है उसकी नींव जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे उससे भी पहले से है। साल 1989 और 90 में
संजय जोशी को आरएसएस ने गुजरात भेजा संगठन को मजबूत करने के लिए, उन्हें संगठन मंत्री के पद से नवाजा। मोदी संगठन महामंत्री के पद पर 2 साल से काम कर रहे थे। उस समय दोनों ने मिलकर पार्टी को मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। नतीजा रहा, पहले ये दोनों दोस्त थे और बाद में दुश्मन बने। नतीजा रहा कि भाजपा ने साल 1995 में गुजरात में पहली बार सरकार बनाई। मतलब गुजरात में सरकार बनाने के पीछे जितना योगदान नरेंद्र मोदी का रहा, उतना ही योगदान जो है संजय जोशी का रहा। लेकिन जब मुख्यमंत्री पद की दावेदारी की बात सामने आई तो दोनों नेताओं के नाम सामने आए। एक भाजपा के राज्य में तब के सबसे वरिष्ठ नेता केशुभाई पटेल और दूसरा शंकर सिंह बघेला। मोदी और जोशी ने मिलकर केशुभाई का साथ दिया। बघेला नाराज हो गए। इसके बाद बघेला की बगावत शुरू हुई और समझौते के तौर पर केशुभाई की जगह सुरेश मेहता को मुख्यमंत्री बनाया गया था, जबकि नरेंद्र मोदी को दिल्ली भेज दिया गया था। मोदी के जाने का सबसे अधिक फायदा संजय जोशी को मिला। अब संगठन महामंत्री के पद पर जोशी की ताजपोशी हुई। साल 1998 में भाजपा एक बार फिर सत्ता में गुजरात में वापस आई। मोदी गुजरात आना चाहते थे लेकिन जोशी इसके लिए तैयार नहीं थे। एक बार फिर केशुभाई मुख्यमंत्री के पद पर बैठे लेकिन साल 2001 में समीकरण बदल गया। उपचुनाव में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। नतीजा केशुभाई को हटा करके नरेंद्र मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया गया 2002 में। इसके बाद मोदी ने जोशी को दिल्ली की ओर रवाना करवा दिया। वो राष्ट्रीय संगठन महासचिव बने। तब से दोनों की यानी मोदी और संजय जोशी की ओपन फाइट शुरू हो गई। यानी नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बने और उन्होंने गुजरात से संजय जोशी का तबादला दिल्ली कर दिया। संघ के प्रचारक संजय जोशी 80 के दशक में नितिन गडकरी के साथ नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से देश की सेवा किया करते थे। उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी और राजनीति में आने से पहले कुछ समय तक इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। नागपुर के रहने वाले संजय जोशी की भाजपा में बड़ी शुरुआत जो है वो गुजरात से हुई थी। राज्य में 13 साल तक वो रहकर पार्टी को मजबूत बनाया, अहम भूमिका निभाई, लेकिन नरेंद्र मोदी आके गुजरात के मुख्यमंत्री बनकर चले गए। गुजरात से उनका करीबी रिश्ता रहा। उनके परिवार के कई सदस्य गुजरात से हैं। ये अनमैरिड संजय जोशी उस वक्त सबसे अधिक चर्चा में आए थे जब 2005 में उनकी एक फर्जी सीडी बाजार में आई थी। इस सीडी में उन्हें कथित तौर पर एक महिला के साथ आपत्तिजनक हालात में दिखाया गया था। इसके बाद पार्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया था, क्योंकि तब की बीजेपी और अब की बीजेपी के बीजेपी में अंतर है। इस तरह की सीडी आती है तो जो बड़े पद पर होते हैं, जो नेता होते हैं, उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाता है, लेकिन अब उन्हें डिफेंड किया जाता है। खैर, सीडी फर्जी साबित हुई बाद में और जोशी की पार्टी में फिर से वापसी हुई। जोशी समर्थक मानते हैं कि सीडी के पीछे मोदी समर्थकों का हाथ है, मोदी के करीबियों का हाथ है। दरअसल ये कांड मोदी ने करवाया। सीडी कांड के बाद पार्टी में उनकी वापसी को लेकर के भी कई नेता असहमत थे, जिसमें खुद नरेंद्र मोदी भी शामिल थे। इसके बाद संघ और गडकरी के सामने उनकी एक भी नहीं चली। नितिन गडकरी और संघ के करीबी रहने के कारण साल 2012 में जोशी को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। मोदी को यह भी पसंद नहीं आया था कि उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी जो है वो संजय जोशी को दिया जाए, क्योंकि वो चाहते ही नहीं थे कि उनकी पार्टी में वापसी हो, क्योंकि गुजरात पर मुख्यमंत्री मोदी थे और गुजरात पर नजर संजय जोशी की भी रही। अब बात कुछ इस तरह की बन गई कि वो एक दिन भी चुनाव प्रचार के लिए यूपी नहीं गई। यानी प्रधानमंत्री संजय जोशी को मुखिया बनाया गया, वो पूरे उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखरेख कर रहे थे, लेकिन उत्तर प्रदेश चुनाव में गुजरात के मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार के लिए नहीं गए। जानकारों का मानना है, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि नरेंद्र मोदी को यह अच्छी तरह से पता है कि साल 2013 में होने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी राह में रोड़ा जो है वो खुद केशुभाई पटेल और संजय जोशी बन सकते थे। यदि मोदी इस चुनाव को हारते हैं तो प्रधानमंत्री की कुर्सी से वो दूर हो जाएंगे। यानी समझिए, नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के लिए उस समय केशुभाई पटेल और यही संजय जोशी 2014 में प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे। इसीलिए नरेंद्र मोदी को यह पसंद नहीं आया कि उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी संजय जोशी को दिया जाए।
क्योंकि संजय जोशी के नेतृत्व में अगर बीजेपी उत्तर प्रदेश जीत जाती तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री 2014 में नहीं बन पाते, उनके जगह पर केशुभाई पटेल या फिर संजय जोशी को वो दर्जा दिया जाता। संघ ने इस बात के पहले ही संकेत दे दिए थे कि इस चुनाव में जोशी को एक बार फिर से गुजरात भेजा जा सकता है। ऐसे में यह चुनाव मोदी के लिए करो या मरो की स्थिति लेकर आया। ऐसे में मोदी अपने सभी दुश्मनों को एक के बाद एक करके निपटाने की नीति पर चल रहे थे, और वही संजय जोशी जो नागपुर कैडर के टॉप नेता, टॉप लीडर माने जाते हैं, जो बहुत ही संघ के करीब है, जो नितिन गडकरी के करीब है, जिन्हें मोदी साइडलाइन करने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें पहले गुजरात के मुख्यमंत्री के दावेदारी से हटाया गया, मोदी ने हटाया, और उसके बाद जिन्हें प्रधानमंत्री की दावेदारी से भी मोदी जी ने हटवाया था, वो आज भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बन सकते हैं। और इसी के चलते आरएसएस और नरेंद्र मोदी आलाकमान के बीच बात बन नहीं पा रही है, क्योंकि संजय जोशी को रास्ते का कांटा बनाने को तैयार मोदी जी है नहीं, और गुजरात लॉबी को पूरी तरह से खत्म करने के लिए अब नागपुर लॉबी ने संजय जोशी को मैदान में उतारने का सोच लिया है, मन बना लिया है, ठान लिया है। ऐसे में अपने जाने दुश्मन और हमेशा से जिन्हें मोदी साइडलाइन करते रहे, वो अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे तो आलाकमान का, मोदी का क्या हाल करके छोड़ेंगे, ये आप खुद सोचिए। मोदी की एक भी नहीं चलने वाली है। अब ऐसे में मैंने आपसे शुरू में कहा कि अब नागपुर दिल्ली चलाएगा, नागपुर से नितिन गडकरी को प्रधानमंत्री के लिए जो है सामने रखा जाएगा। मोदी जी के 75 साल खत्म होते ही, आज खैर मोदी जी का जन्मदिन है, अगले साल वो 75 पूरा करेंगे, और उसके बाद हो सकता है कि नितिन गडकरी को नागपुर की ओर से प्रोजेक्ट किया जाए, क्योंकि उनका समर्थन तो विपक्ष करने को भी तैयार है, और नागपुर से ही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने की पेशकश की जा रही है। ऐसे में सोचिए पूरी तरह से संघ बीजेपी में फिर से अपनी पकड़ वापस चाहता है, और नरेंद्र मोदी को, गुजरात लॉबी को, अमित शाह को पूरी तरह से दरकिनार करने की कोशिश में, बीजेपी आलाकमान को साइडलाइन करने की कोशिश में अब संजय जोशी को आरएसएस आगे लेकर के आ रही है। इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है? क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं संघ मोदी शाह को मात दे जाएगा? आप अपनी राय कमेंट कर हमारे साथ जरूर शेयर करें। और क्या संजय जोशी भी अब बदला लेने वाले हैं मोदी जी से? अपनी राय कमेंट कर, इस पर आपके विचार क्या है कमेंट कर हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी ऐसी तमाम खबरों को हम आप तक सबसे पहले पड़ताल के साथ पहुंचा सके, इसके लिए देशनीति को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, जल्द होगी आपसे मुलाकात दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।